वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि युग चार होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन चार युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन सभी लोगों के प्राणियों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, रूप रंग आदि सब कैसा है, आज हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। तो साथियों, इन जानकारियों को मिस ना कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कलयुग यानि के कालयान की प्रस्तुति चल रही है। यहाँ धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिन पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियाँ सच्ची हो सकती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल सच साबित हो सकती है। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आराम से बैठकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की रोचक जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। आप ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए आप हमारे इस वचन को सुनिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। साथ ही सबसे पहले हम आपको सतयुग के बारे में बताएंगे। वो युग जब धर्म के चार पग थे, यानी कि धर्म 100% था और पाप नगण्य था, यानी कि 0% था। इस युग में कोई पाप करता ही नहीं था और इस युग में आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी कि 21 हाथ बताई गई है। जी हाँ, 32 फीट यानी कि 21 हाथ। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पुराने समय के अगर हमें पुरातात्विक जो महल या घर दिखाई देते हैं वो इतने बड़े बड़े क्यों होंगे। इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। जबकि त्रेता युग में अगर हम बात करें तो त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट अर्थात 14 हाथ शास्त्रों में लिखी गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लिया और राम जी का भी अवतार लिया था। और इसी युग में राजा बलि ने तीन पग धरती वामन भगवान को दान में दी थी और वामन भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए उन्हें 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। जबकि राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करने के बावजूद भी उन्हें छू नहीं पाए थे। तो इस तरह से त्रेता युग में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक पाप था लेकिन फिर भी पुण्य उस पर भारी पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं द्वापर युग की। तो द्वापर युग में धर्म केवल 2 पक्ष ही रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग या औसतन 11 फीट थी या केवल 7 हाथ मान सकते हैं। पाप और पुण्य की मात्रा बराबर थी यानी कि 50-50% दोनों ही थे। इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत जैसा धर्म युद्ध हुआ था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। अब अगर वर्तमान काल की बात की जाए, वर्तमान काल यानी कि कलयुग, कलयुग की बात करें तो इस युग में धर्म का केवल 1 ही पग रह गया है और इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट है अर्थात केवल 3.5 हाथ। इस युग में धर्म का केवल एक चौथाई ही रह जाता है और इस युग में पाप की मात्रा 75% तक हो चुकी है जबकि पुण्य की मात्रा केवल 25% ही रह गई है। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं भक्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग वो युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा,
कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी और अमीरों के पास चली जाएंगी। उस समय केवल धनी पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप, रंग या चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी और उस समय लोगों को अपने धन, प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही संबंध रखे जाएंगे। सारा धन घर बनाने में समाप्त हो जाएगा। इसमें दान पुण्य के काम के लिए कोई भी धन व्याप्त नहीं रहेगा। सारी बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का आचरण करेंगी और ऐसे लोगों का राज होगा जो धनी होंगे और दूसरों पर वो शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। अपनी छोटी बुद्धि को ही शास्त्र समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की ओर धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस भी करेंगे। जैसा कि आज दोस्तों दिखाई देता है कि कोई ना कोई हमेशा ही अपने धर्म को लेकर के बहस खड़ा कर देता है कि धर्म राम कौन थे, श्याम कौन थे। दोस्तों उनके पाप जोर मारेंगे, वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएगा, तब पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल मलेच्छों का ही राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में मालिक होंगे। यहाँ सब एक ही समय में विभिन्न प्रांतों पर राज करेंगे, लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी ऐसा ही स्वभाव का आचरण हो जाएगा। लोग आपस में वे लोग भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करते रहेंगे और अंत में सब के सब नष्ट हो जाएंगे। महर्षि व्यास जी ने भी कहा है दोस्तों, महर्षि व्यास जी ने कहा है कि कलयुग में किसी के मन में दया भावना, क्षमा भावना, शांति भावना कि ये सब प्रवृत्तियाँ नहीं होंगी। अन्याय से धन पैदा करने में ही सबकी आसक्ति होगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से हर समय व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र हमेशा आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने की वजह से मनुष्य तपस्वी लोग की तरह केवल पत्ते खाकर ही जी पाएगा और ऐसा भी समय आएगा कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों वृक्ष ही खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गो ग्रास का एक ऐसा तांडव बचेगा कि लोग स्वयं का आत्मदाह करने की कोशिश करते रहेंगे। इसी संदर्भ में भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग आने वाला है और मनुष्य का आचरण खत्म होने जाएगा। योगी भी भोगी बन जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध की भावना पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी के सभी आपस में ही लड़ मर मिलेंगे और हर जगह शूद्रों का शासन भी हो सकता है। देश देश, गांव गांव में सभी के सभी दुखी रहेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं कर पाएगा। मनुष्य के बुद्धि को केवल मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ही अच्छा लगेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के भी गुरु बनकर उनको अपने अधीन रखेंगे। पुत्र भी अपने पिता धर्म का पालन नहीं करेंगे और कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो, लेकिन जो बलवान होगा कलयुग में वही सबका स्वामी बनेगा। ऋषि व्यास के अनुसार इस काल में अधर्म इतना भयंकर हो जाएगा कि 10 से 11 वर्ष की लड़कियां भी 12 13 वर्ष के लड़कों के साथ संभोग करके संतान पैदा करेंगी और तब आप समझ जाइएगा कि घोर कलयुग की उत्पत्ति होने वाली है। घोर कलयुग ऐसा भयंकर आएगा कि उसमें 20 से 25 वर्ष की आयु तक में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और बहुत जल्द ही दुनिया का विनाश हो जाएगा और फिर से एक वही शून्य से शुरुआत होगी जिसकी शुरुआत करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, मेरे भक्तों, कैसा लगा आपको ये वाचन? आपके लिए मैं ऐसे ही रोचक तत्व हमेशा ही लाते रहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वाचन मैं आप सभी के लिए हमेशा लाता रहूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।